स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बजे का। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लोग चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। के रमज़ान का दूसरा रोज़ है और पहले दिन का व्लॉग सुस्ती की वजह से नहीं बना सका, तो आज आपके साथ सारी रमज़ान की डेली रूटीन शेयर की जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मुझे, नहीं, नहीं मारो यार, मारो। तकरीबन सुबह के 3 बज रहे हैं, सहरी का टाइम है, और दूसरी तरफ बात की जाए तो तहज्जुद का टाइम है। तो उठते हैं, वजू करते हैं, सबसे पहले अदा करते हैं तहज्जुद, और उसके बाद जाते हैं सहरी के लिए। अगर कुछ लेना है तो वो ले के आते हैं और सहरी करते हैं। सब लोगों से अपील है, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बात तो सही है। हाँ वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बजे का। सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज़े तहज्जुद और उसके बाद जाते हैं सहरी के लिए कुछ लेने। भी नमाज़े तहज्जुद अदा किया करें, बेशक सिर्फ 2 नवाफिल ही पढ़ लिए, क्योंकि नमाज़े तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रमज़ान करीम में तो उसका सवाब 70% ज़्यादा हो जाता है। टाइम हो गया है तकरीबन 4:20 का, और अब करते हैं सहरी। सहरी में पराठा, साथ में आलू गाजरों का सालन, फ्राइड एग्स, और साथ में लस्सी, जिस जिसने सहरी करनी आ जाए। A few moments later. के बाद की है नमाज अदा और मस्जिद में गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, तो दोपहर को वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जब मस्जिद में गया। तो अब लगाऊं सोने और मिलते हैं इंशाल्लाह उठ के। तकरीबन A few moments later. बज रहे हैं 9 और अभी जाते हैं अपने गांव के साथ दूसरे गांव से दूध लेने। उठा लिया स्टार्ट, अब थोड़ा गर्म हो ले फिर चलते हैं। तो दूध अब ले लिया, तो इसे पैक करते हैं और चलते हैं वापस घर। तो अब बांध पहुंचे हैं घर और दूध को निकालते हैं और देते हैं उबालने के लिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। A few moments later. तो अब सोने के बाद उठे हैं और नमाज़े ज़ोहर का टाइम हो गया है, तो जाते हैं नमाज़े ज़ोहर पढ़ने। Thank you.
ने फरमाया माल की फरवानी बड़ी नेमत है, इससे बेहतर तंदरुस्ती है और इससे बेहतर तकवा कल्ब है। अक्लमंद वो है जो किसी मामले की इब्तदा से पहले दूर अंदेशी से काम ले। आज की अच्छी बात। A few moments later. उस वक्त आ पहुंचा हूं छत पे। और मौसम की बात की जाए तो आज बहुत ही प्यारा है। रात को बारिश हुई है, अब दोबारा से फिर बादल आ रहे हैं। और दूसरी साइड की बात की जाए तो दूसरी साइड पे धूप भी निकली हुई है और इस साइड पे सारे बादल ही बादल हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा और आपको गांव के अच्छे अच्छे सीन्स भी देखने को मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए। Damn.